हेलो एवरीवन। तो आज हम सीखने वाले हैं जॉर्जेट लेपर्ड प्रिंट की ये दो लेयर की फ्रॉक, जिसमें फ्रंट में है अंगरखा पैटर्न। दिए हुए मेजरमेंट्स को मैं यूज़ करूँगी और इसकी कटिंग करूँगी। आपको अपने मेजरमेंट्स के अकॉर्डिंग कटिंग करना है। यहाँ मैं आपको एक्सप्लेन करने के लिए पेपर का यूज़ कर रही हूँ। सेम मेथड आपको फॉलो करना है और फैब्रिक पे मार्किंग करके कटिंग करना है। पेपर को सिंगल फोल्ड करके लाइन ड्रॉ करूँगी और उसी लाइन पे मैं शोल्डर की मार्किंग करूँगी। शोल्डर है मेरा 16, उसका हाफ होगा 8 इंचेस। अब शोल्डर लाइन से ही नीचे की साइड में मार्किंग करूँगी 7.5 इंचेस पे और वहाँ से एक लाइन ड्रॉ करूँगी। ये होगी मेरी चेस्ट लाइन। अब शोल्डर से चेस्ट लाइन में एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करूँगी, ये होगा मेरा आर्म होल लाइन। अब चेस्ट लाइन पे चेस्ट राउंड डिवाइड बाय 4 + 1.5 इंचेस करूँगी फॉर फिटिंग। टॉप लेंथ है मेरी 15 इंचेस, उसमें मैं प्लस करूँगी 1 इंच तो होगा 16। अब वहीं से एक लाइन ड्रॉ करूँगी, ये होगी मेरी वेस्ट लाइन। वेस्ट राउंड डिवाइड बाय 4 + 1 इंचेस फॉर डार्ट और + 1 इंचेस फॉर फिटिंग। सारी मार्किंग होने के बाद में सारे पॉइंट्स को मैं स्केल की हेल्प से कनेक्ट कर लूँगी और उसके बाद शोल्डर लाइन से मैं 1/2 इंच शोल्डर को डाउन करूँगी। नेक राउंड के लिए मैं मार्किंग कर रही हूँ 2.5 इंचेस और दोनों पॉइंट्स को मैं जॉइन कर दूँगी बिल्कुल इसी तरीके से। यह है मेरा बैक पार्ट। बैक पार्ट में जो है वो डार्ट है, इसलिए हमें बैक पार्ट को अलग कट करना है और फ्रंट में जो है वो अंगरखा है तो फ्रंट पार्ट को अलग कट करना है। अब डार्ट के लिए डार्ट पॉइंट पे मार्किंग कर रही हूँ 4.5 इंचेस, ये वेस्ट लाइन पे ही मार्किंग करनी है। उसके बाद मैं 1/2 इंच राइट साइड 1/2 इंच लेफ्ट साइड मार्किंग करते हुए डार्ट लेंथ मार्किंग करेंगे 5 इंचेस पे और सारे पॉइंट्स को इस तरीके से हमें कनेक्ट करना है डार्ट के लिए और नीचे की साइड ऐसे ट्राइंगल को ड्रॉ करना है। अब मेरा जो बैक नेक है वो ज़्यादा डीप नहीं है, 1 इंच का है, तो 1 इंच की मार्किंग करके हल्का सा एक शेप दे देंगे जो कि होगा हमारा बैक नेक। उसके बाद आर्म होल लाइन पे हम मिड पॉइंट निकालेंगे और वही पॉइंट से हम बैक आर्म होल का शेप दे देंगे और कट कर लेंगे। ये मार्किंग और कटिंग आपको सारी लाइनिंग पे करनी है, उसके बाद ही आपको मेन फैब्रिक पे करना है। तो ये हो गया है कट, ओपन करेंगे और दूसरी साइड भी डार्ट की मार्किंग कर लेंगे जिस तरीके से हमने सेम उस साइड की है। दोनों का मेजरमेंट 1/1 इंचेस ही होगा तो डार्ट सेम ही बनेंगे। उसके बाद हमें चाहिए फ्रंट पीस। फ्रंट पीस के लिए फैब्रिक को 4th फोल्ड करके बैक पार्ट को हम इस तरीके से रखेंगे और ट्रेस कर लेंगे। लेकिन यहाँ पे वेस्ट लाइन पे आपको वेस्ट राउंड डिवाइड बाय 4 + 1 इंच ही करना है, एक्स्ट्रा 1 इंच प्लस नहीं करना है बिकॉज फ्रंट में कोई डार्ट नहीं है और सारे पॉइंट्स को हम कनेक्ट कर लेंगे और फ्रंट में जो एक्स्ट्रा आर्म होल का शेप होता है उस शेप को भी हम ड्रॉ कर लेंगे और उसकी कटिंग कर देंगे। तो इस तरीके से हमारे पास फ्रंट के जो है वो 2 पीसेस निकलेंगे। अब नेक के लिए मैं 2.5 इंचेस पे मार्किंग कर रही हूँ। नेक लेंथ होगा 7 इंचेस। वेस्ट लाइन से ऊपर की साइड 1.5 इंचेस पे मार्किंग करते हुए इस तरीके से हम शेप दे देंगे और उसे हम कट कर लेंगे। अब इसी शेप को उस दूसरे पे रख कर हम शेप ड्रॉ कर लेंगे और उसे भी हम सेम एज इट इज़ कट कर लेंगे। ये हो गया हमारा अंगरखा पैटर्न। तो जब आप फैब्रिक पे भी कट करोगे तो सेम आपको ऐसे ही कट करना है, तो ये ऐसे ही आपको बिल्कुल दिखेगा जिस तरीके से ये पेपर पे दिख रहा है। तो लाइनिंग पे ही पहले कट करना है, उसके बाद मेन फैब्रिक पे। यहाँ मैं फ्रिल कट कर रही हूँ, मेरी फुल लेंथ है 42, उसमें से माइनस करूँगी 16 इंचेस तो होगा 26। अब मैं यहाँ 26 को डिवाइड कर रही हूँ 2 से बिकॉज मेरे पास 2 फ्रिल मुझे चाहिए, तो एक एक फ्रिल मेरी निकलेगी 13-13 इंच की। तो अब 13 इंचेस + 1 इंच इसमें करूँगी फर्स्ट फ्रिल के लिए और इसे मैं कट कर लूँगी। फर्स्ट फ्रिल जो है वो मेरी 2.5 मीटर की होगी बिकॉज जो वेस्ट राउंड होता है उसी के डबल टेबल हमें कपड़ा चाहिए होता है बिकॉज उसमें प्लीट्स आएगी। अब सेकंड फ्रिल के लिए मैं 13 इंचेस + 1.5 इंचेस की मार्किंग करूँगी बिकॉज ऊपर से दूसरी फ्रिल अटैच होगी और नीचे से जो है वो हमें फोल्ड भी करना है। सेकंड फ्रिल होगी मेरी 5 मीटर, फर्स्ट फ्रिल से आपको डबल लेना है सेकंड फ्रिल।
उसके बाद मुझे करना है स्लीव्स की कटिंग। तो उसके लिए फोर्थ फोल्ड करना है फैब्रिक को। मेरी स्लीव्स की लेंथ है 22 इंचेस, तो मुझे जो स्लीव्स की लेंथ है 15 इंचेस तक ही चाहिए। उसके नीचे मुझे स्लीव्स का फ्रिल चाहिए, तो 15 इंचेस प्लस 1 इंच करूँगी मैं, और चेस्ट राउंड डिवाइड बाय 4 करके ऊपर की साइड मार्किंग कर दूँगी। अब नीचे की साइड में स्लीव्स राउंड डिवाइड बाय 2 प्लस 1 इंच की मार्किंग करूँगी, और यहीं से जहाँ मैंने चेस्ट राउंड का मार्किंग किया था वहाँ पे नीचे की साइड में 2.5 इंचेस की मार्किंग करते हुए स्लीव्स का जो शेप है वो दे दूँगी, और सारे पॉइंट्स को मैं स्केल की हेल्प से जॉइंट कर लूँगी। स्लीव्स के लिए आपको लाइनिंग की ज़रूरत नहीं है, आपको मेन फैब्रिक पे कट करना है। तो ये हो गई मेरी दोनों स्लीव्स की कटिंग। इसके बाद में फ्रिल के लिए भी आपको फैब्रिक को फोर्थ फोल्ड करते हुए कट करना है, तो इससे आपकी जो दोनों फ्रिल है वो साथ में निकलेगी। अब यहाँ पे मेरी स्लीव्स की जो लेंथ थी वो थी 22 इंचेस, उसमें से माइनस करना है 15 इंचेस, तो बचेगा 7। 7 में मैं प्लस करूँगी 1 इंचेस, तो होगा 8। अब स्लीव्स को इस तरीके से क्रॉस में रखते हुए स्लीव राउंड को हम ट्रेस कर लेंगे, और उसी लाइन पे रखते हुए 8 इंचेस पे मैं मार्किंग कर लूँगी। इसी तरीके से बिल्कुल मुझे मार्किंग करना है इसी शेप में, और सारे शेप्स ड्रॉ कर लूँगी। ऊपर की साइड भी हल्का सा कर्व दे दूँगी और कट कर लूँगी। तो ये हो गई हमारी स्लीव्स की फ्रिल। कट होने के बाद में ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। तो ये है हमारी स्लीव्स। अब यहाँ पे सारी कटिंग हो चुकी है हमारी, तो इस तरीके से आपको कपड़े पे करना है। यहाँ है मेरे पास फैब्रिक, जो कि मेन फैब्रिक है 7 मीटर, और लाइनिंग है 4 मीटर। मैंने पहले कटिंग की है लाइनिंग पे, उसके बाद में मैं इस तरीके से उसे मेन फैब्रिक पे रखूँगी और उसे कट करूँगी। तो यहाँ मैं पहले फ्रंट पीसेस को कट कर रही हूँ मेन फैब्रिक पे। आपको भी इसी तरीके से स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है एंड कटिंग करना है। सेम बैग को भी रख के मैं कट कर लूँगी। उसके बाद यह है सारी कटिंग। ये है मेरा बैक पार्ट, लाइनिंग और मेन फैब्रिक। ये है मेरा फ्रंट जो कि 4 पीसेस है, और ये है स्लीव्स जिसमें लाइनिंग नहीं है। उसके बाद बचा हुआ कपड़ा है मेरे पास टोटल 5 मीटर, जिसमें से मैं फ्रिल निकालूंगी जिस तरीके से मैंने एक्सप्लेन किया था, बिल्कुल उसी तरीके से। तो यहाँ हमारी सारी कटिंग हो चुकी है। अब मुझे लाइनिंग की कट करना है, जो कि मुझे फ्रिल के अंदर लगाना है, तो इसे भी मैं कट कर लूँगी 8 लाइन में। टोटल 3 मीटर फैब्रिक मुझे इसमें लगा है, तो इस तरीके से आपको भी सारा कट कर लेना है अपने मेजरमेंट्स के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट वीडियो होगा स्टिचिंग का।